हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज आपका परिचय कराएं बाबू भाई मिस्त्री जी से, भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज एक बेहद सम्मानित नाम, 60 से भी ज्यादा फिल्मों के निर्देशक, टॉप के सिनेमेटोग्राफर और भारत में ट्रिक फोटोग्राफी या कहें स्पेशल इफेक्ट्स के जनक, और वो भी 1930 के दशक में जब सिनेमा ने बस बोलना शुरू ही किया था। उस दौर में न तो टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस थी और न ही किसी को ट्रिक फोटोग्राफी या स्पेशल इफेक्ट्स की कोई जानकारी थी। ऐसे में प्रोड्यूसर डायरेक्टर को दुविधा में पड़ा देखकर महज 18 साल के सेट असिस्टेंट बाबू भाई मिस्त्री ने काले कपड़े के बैकग्राउंड, हल्की रोशनी और काले धागे की मदद से रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों को हवा में उठाकर, उड़ाकर, इधर उधर खिसकाकर दर्शकों को पर्दे पर एक नजर न आने वाले इंसान की मौजूदगी का एहसास दिलाया था। बाबू भाई मिस्त्री का यह प्रयोग ऐसा हिट हुआ कि उनका नाम ही काला धागा पड़ गया था। वो हिंदी सिनेमा का एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया थे और उनसे मिलकर हर बार नई नई जानकारियां हासिल होती थी। बाबू भाई मिस्त्री का जन्म 5 सितंबर 1918 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। उनके पिता मकान बनाने के ठेके लेते थे। बाबू भाई सिर्फ 14 साल के थे जब उनके पिता का निधन हुआ। बड़ा होने के नाते माँ और 9 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी बाबू भाई मिस्त्री के कंधों पर आ गई थी। ऐसे में उन्हें रोजगार की तलाश में अपने चाचा के पास मुंबई चले आना पड़ा। उनके चाचा एक फिल्म कंपनी में आर्ट डायरेक्टर की नौकरी कर रहे थे। चाचा की सिफारिश पर बाबू भाई को भारत मूवीटोन की फिल्म हातिम ताई में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर की नौकरी मिल गई। ये फिल्म साल 1933 में रिलीज हुई थी। बाबू भाई का काम फिल्म के पोस्टर और सेट के निर्माण में असिस्ट करना था, लेकिन वो कहते थे, मेरा रुझान फिल्म मेकिंग के हर एक पहलू की तरफ होने लगा था और मैंने मौका मिलते ही हर एक डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दिया था। इसी प्रक्रिया में बाबू भाई मिस्त्री प्रकाश पिक्चर्स के विजय भट्ट और शंकर भाई भट्ट के संपर्क में आए। भट्ट ब्रदर्स उन दिनों साल 1933 की सुपरहिट अंग्रेजी फिल्म द इनविजिबल मैन से प्रेरित होकर उसी कहानी पर फिल्म ख्वाब की दुनिया बना रहे थे, लेकिन इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स को लेकर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे में बाबू भाई मिस्त्री ने काले पर्दे की बैकग्राउंड, हल्की रोशनी और काले धागे की मदद से भारत में स्पेशल इफेक्ट्स की शुरुआत की थी। फिल्म ख्वाब की दुनिया साल 1937 में रिलीज हुई थी। उस जमाने में जेबीएच वाडिया और उनके छोटे भाई होमी वाडिया की कंपनी वाडिया मूवीटोन धार्मिक, स्टंट और फैंटेसी फिल्मों के निर्माण के लिए जानी जाती थी। इन तमाम फिल्मों की बुनियाद स्पेशल इफेक्ट्स पर टिकी होती थी। फिल्म ख्वाब की दुनिया की जबरदस्त कामयाबी के बाद वाडिया ब्रदर्स ने बाबू भाई मिस्त्री को बुलाया और अपनी तमाम फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। 5.5 दशक के अपने करियर में बाबू भाई मिस्त्री ने दर्जनों फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट्स तैयार किए। इनमें धार्मिक, स्टंट और फैंटेसी के अलावा कई सुपरहिट सोशल फिल्में भी शामिल हैं। फिल्म अलादीन और जादुई चिराग का उड़ता कालीन और फिल्म ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी का उड़ना बाबू भाई मिस्त्री की ही कल्पना शक्ति का परिणाम थे। साल 1942 में होमी वाडिया ने वाडिया मूवी टोन से अलग होकर बसंत पिक्चर्स की बुनियाद रखी। बाबू भाई मिस्त्री कहते थे, आर्ट डायरेक्शन और स्पेशल इफेक्ट्स में एक बड़ा नाम बन जाने के बाद अब मैं डायरेक्शन में हाथ आजमाना चाहता था। ऐसे में दोनों वाडिया भाई
मेरी मदद के लिए आगे आए। JBH वाडिया ने बाबू भाई मिस्त्री को वाडिया मूवी टोन की फिल्म मुकाबला, तो होमी वाडिया ने बसंत पिक्चर्स की पहली फिल्म मौज के निर्देशन की जिम्मेदारी सौंपी। मुकाबला साल 1942 में और मौज 1943 में रिलीज हुई, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बावजूद बाबू भाई मिस्त्री को कभी कभार डायरेक्शन के मौके मिलते रहे। बाबू भाई मिस्त्री को बतौर निर्देशक पहचान मिली साल 1956 की फिल्म सती नाग कन्या की जबरदस्त कामयाबी से, और फिर बहुत जल्द वो अपने वक्त के सबसे व्यस्त निर्देशकों में शामिल हो गए। आने वाले 3 दशकों में वो लगातार फिल्में बनाते रहे जिनमें स्टंट से लेकर सामाजिक तक हर तरह की फिल्में शामिल हैं। बाबू भाई मिस्त्री द्वारा निर्देशित साल 1958 की फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त से संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह ने अपना करियर शुरू किया था। आगे चलकर कल्याण जी वीर जी शाह ने अपने छोटे भाई आनंद जी के साथ मिलकर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी बनाई। उधर साल 1963 की बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारसमणि से संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने डेब्यू किया था। 1960 के दशक की शुरुआत में बाबू भाई मिस्त्री के गले से कैंसर युक्त वॉइस बॉक्स निकाल देना पड़ा था। तब से अपनी बात कहने के लिए उन्हें आर्टिफिशियल वॉइस बॉक्स का सहारा लेना पड़ता था। इसके बावजूद उनका करियर लगातार ऊंचाइयां छूता रहा। भारतीय सिनेमा में स्पेशल इफेक्ट्स के जनक बाबू भाई मिस्त्री ने करीब 65 फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म हातिम ताई साल 1990 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर रतन मोहन, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मुख्य कलाकार थे जितेंद्र, संगीता बिजलानी, सोनू वालिया और रजा मुराद। 1990 के दशक के आखिरी सालों में बाबू भाई मिस्त्री ने एक बार फिर से छोटे पर्दे पर धारावाहिक शिव महापुराण के जरिए बतौर निर्देशक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और फिर बढ़ती उम्र की वजह से रिटायरमेंट ले लेना बेहतर समझा। बाबू भाई मिस्त्री की पत्नी का निधन 1990 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके कोई संतान नहीं थी और इसीलिए पत्नी के निधन के बाद बाबू भाई मिस्त्री बिल्कुल अकेले हो गए थे। ऐसे में उनकी देखभाल का जिम्मा उनकी सबसे छोटी बहन ने ले लिया था। विलेपार्ले ईस्ट के बाबू भाई मिस्त्री के फ्लैट में अक्सर मेरी मुलाकात उनकी बहन से भी होती थी। बहन के बेटे यानी बाबू भाई मिस्त्री के भांजे कमलेश कापड़िया सहारा न्यूज में स्टूडियो इंचार्ज के पद पर थे और साथ ही वो एक कैमरामैन भी हैं। हम आज भी संपर्क में हैं। भारतीय सिनेमा में ट्रिक फोटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स के जनक बाबू भाई मिस्त्री का निधन 92 साल की उम्र में 20 दिसंबर 2010 को मुंबई में हुआ। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के बीते दौर के जाने माने निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री। बाबू भाई मिस्त्री के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में, डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।